हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पना। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, कैसे होम्योपैथी हमें अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में मदद कर सकती है। अभी है टाइम हमारे लाइव कंसल्टेशन का। आप लोग लाइव चैटिंग के माध्यम से अपने सवाल, अपने क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों को मदद करने की। आज हम बात करेंगे RSV यानी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस के बारे में। तो आप लोग RSV के बारे में आजकल सुन रहे होंगे, क्या होता है RSV, क्या है इसमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, या कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं, किन्हें RSV या रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस से खतरा है, तो इन्हीं सब बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और साथ में आप लोगों के सवाल आप लोग लाइव चैटिंग के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी पिछले 2-3 साल में जो हमने पैंडेमिक देखा, और हमें ये इम्पोर्टेंस मालूम है कि अगर हम प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं, मास्क का यूजेज करते हैं, हाथ धोते हैं, बेसिकली हाइजीन का हम ध्यान रखते हैं, तो हम किसी भी इन्फेक्शन से अपना बचाव कर सकते हैं। ये जो RSV है, ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने वाला एक वायरस है। एंड इससे भी बचाव के लिए आप जितना हाइजीन का ध्यान रखते हैं, स्पेशली हाथों को अच्छे से धोते हैं, कोई भी इन्फेक्टेड जगह जैसे डोर नॉब्स होते हैं जिसे बहुत सारे लोगों ने पकड़ा है, या अगर हम बात करें स्टेयर्स में जो रेलिंग्स होते हैं, तो ऐसी चीजें जिसको बहुत सारे लोगों ने उसको टच किया है, तो ऐसे इन्फेक्टेड सरफेस से ये वायरस स्प्रेड हो सकता है। एक इन्फेक्टेड इंसान से एक हेल्दी इंसान को स्प्रेड हो सकता है। तो हमारे जो प्रोटेक्टिव मेजर्स होते हैं, जैसे मास्क होता है या हाथों को धोना है, तो ये सब हमें बचाव करता है। ना केवल हम कोविड की हम बात करें, पर जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं, तो सभी से आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है। मास्क एक बैरियर की तरह काम करता है, और इससे इन्फेक्शंस होने के जो संभावना है या चांसेस है, वो कम रहते हैं। तो हम बात करेंगे RSV वायरस के बारे में। तो जो RSV है, ये मुख्यतर जो बच्चे हैं, 2 साल तक के बच्चे और बुजुर्ग, तो इन लोगों को सबसे ज्यादा इससे खतरा हो सकता है बच्चों में, क्योंकि उनका जो लंग्स है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो इतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ। एंड बुजुर्गों में हो सकता है उनको कोई और इलनेस हो, कोई और कोमॉर्बिडिटीज हो, तो इस कारण से भी जो एल्डरली हैं, उनको इसका प्रभाव या इससे खतरा ज्यादा हो सकता है। RSV क्या करता है, ये नॉर्मल जैसे फ्लू, इन्फ्लुएंजा, सर्दी जुकाम होता है, ऐसे ही इसके लक्षण होते हैं। ये लंग्स को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ये प्रभावित करता है। एंड आपकी अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो सर्दी जुकाम के थ्रू ही ये चीजें ओवर हो जाती हैं और पता नहीं चलता है। पर कहीं अगर इम्यूनिटी कम है, या तो कोई बीमारी है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन है, तो ऐसे में जो प्रॉब्लम है वो हमें ज्यादा दिखने लगती है। या अगर वीक इम्यूनिटी है, तो कोई भी इन्फेक्शन फिर आपके ऊपर हावी हो सकता है। लक्षण क्या होते हैं RSV के, वही कॉमन सर्दी जुकाम के इसमें लक्षण होते हैं, और आपको नाक में एक नाक बंद होना, कंजेशन होना, या नाक से पानी बहना, सूखी खांसी होना, आपको हल्का हल्का बुखार रहना, गले में खराश होना, छींके आना, सर में दर्द होना, वो तमाम लक्षण जो हमें नॉर्मल इन्फ्लुएंजा या फ्लू में देखने को मिलता है, वही इसके लक्षण होते हैं। अगर ये किसी को सिवियर फॉर्म में हो रहा है, या अगर इसकी सिवियरिटी बढ़ रही है, तो ऐसे केस में जो ये RSV वायरस है, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट कर सकता है या प्रभावित कर सकता है, जिससे निमोनिया, ब्रोंकोलाइटिस, यानी जो छोटे छोटे ब्रोंकियल एयर पैसेजेस होते हैं, इनमें इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करना, सूजन करना, और इसके वजह से खांसी ज्यादा होना, सिवियर कफिंग होना, बुखार होना, वीजिंग होना, सीटी जैसी आवाज सुनाई देना, और सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना, खांसते खांसते चेहरा वगैरह नीला पड़ जाना, ब्लूइश डिस्कलरेशन या साइनोसिस जिसे हम कहते हैं। अगर छोटे बच्चों की बात करें, इन्फेंट्स की बात करें, नवजात शिशु की हम बात करें, तो उनसे सांस नहीं लिया जाना, शैलो ब्रीदिंग होना, और सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, स्ट्रगल कर रहे हैं,
ठीक से फीड नहीं ले रहे हैं, एक टायर्ड सी फीलिंग है, चिड़चिड़े हो रहे हैं, इरिटेबल हो रहे हैं, ये भी कुछ लक्षण हो सकता है। एकदम छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, वो बोल कर नहीं वो बोल सकते उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में जो उनकी बाकी सिम्टम्स है, जो लक्षण है, उससे हमें समझना होता है कि कितनी सीवियर इन्फेक्शन है। अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, बुखार बहुत तेज है और इसके साथ साथ चेहरा ब्लू हो रहा है, स्पेशली लिप्स वगैरह नीले पड़ रहे हैं, नेल बेड्स में ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है, तो ऐसे में जरूरी है इमिडिएटली आपको जो भी आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनसे संपर्क करना और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना। आरएसवी का जो ट्रीटमेंट है, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए। फीवर है तो फीवर को कम करना है, पेन है, तकलीफ है, उसको रिलीव करना है। फ्लूड्स का इंटेक प्रॉपर होना चाहिए, यानी हाइड्रेशन जरूरी है ताकि बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं हो। ठंड का दिन है, पानी कम पी रहे हैं और साथ में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस भी हो सकते हैं, तो इसीलिए फ्लूड इनटेक आपका प्रॉपर हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आरएसवी का जो कॉम्प्लिकेशन है वो निमोनिया, ब्रोंकोलिटिस, ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसमें छोटे छोटे जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसलिए सांस नहीं लिया जाता, छाती में जकड़न का महसूस होता है, तो ब्रोंकियोलाइटिस एंड निमोनिया होना, ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, तो वो तमाम दवाइयाँ जो हम इन्फ्लुएंजा या फ्लू के लिए हम देते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम देते हैं, वही हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हम सोच सकते हैं। आर्सेनिक हमारी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन, जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं जब छोटी छोटी सिप्स में प्यास लगती है, घूंट घूंट पानी पीने की इच्छा होती है, बेचैनी बहुत ज्यादा होती है, हाई ग्रेड फीवर होता है, कमजोरी बहुत ज्यादा है, पर पेशेंट को ऐसा लगता है कि अंदर से एक बेचैनी हो रही है, कहीं उठना है, बैठना है, तो इस तरह का एक रेस्टलेस फीलिंग होती है, अंदर से बॉडी में एक हीट का महसूस होता है, और ऑल्दो इनको बहुत ठंड लगती है, कवरिंग चाहिए, बट अंदर से इनको इंटरनली एक हीट का फीलिंग रहता है। इसके साथ साथ तेज बुखार है, गले में खराश है, हो सकता है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी साथ में हो, डायरिया वगैरह हो रहा हो, तो आर्सेनिक मेडिसिन बहुत ही हैंडी है। इन्फ्लुएंजा, फ्लू या आरएसवी इन्फेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं 30 पोटेंसी में। एकोनाइट बिल्कुल एक्यूट कंडीशन के लिए, इन्फ्लेमेशन है, अक्यूट है, रैपिड है, ऐसे में हम एकोनाइट के बारे में सोच सकते हैं। सडन फीवर है, चिल्स आ रहे हैं, और एकोनाइट एक दवा है जो हमें एक्यूट स्टेज या शुरू में ही देना है। ऐसा मान ले कि आपको जो भी इन्फेक्शन हुआ है या आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, 24 घंटे के अंदर अंदर एकोनाइट का जो एक्शन है दैट इज वेरी रिमार्केबल। बट ये एक्यूट स्टेज जब ओवर हो गया तब एकोनाइट का रोल इतना नहीं रह जाता, बट एक्यूट रैपिडिटी, एंग्जाइटी, ऐसे जब हम एक फास्ट एक प्रोग्रेशन दिख रहा है, सडन प्रोग्रेशन दिख रहा है, एंग्जाइटी दिख रहा है, फियर दिख रहा है, तो हम एकोनाइट के बारे में जरूर सोच सकते हैं। अगली हमारी मेडिसिन बेलाडोना। अगेन बेलाडोना में हम देखते हैं कि सर में भारीपन आपको दिख सकता है, बच्चों का चेहरा एकदम से रेड ड्राई सा हो रहा है, और सडनली फीवर आया, और सर में दर्द बताना, चिड़चिड़ापन होना, एकदम चुपचाप लेटे रहना, लाइट वगैरह जलाए तो उससे भी दिक्कत होती है, आंखें बंद करके रखना, एक हेल्यूसिनेशंस होना या ब्रेन को इफेक्ट करना, वो हमें बेलाडोना में दिखने को मिलता है, या बच्चे डर जा रहे हैं, उनको डर लग रहा है, मे बी सम स्कैरी ड्रीम्स वो देख रहे हैं, तो ऐसे में जब हम देखते हैं कि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो ऐसे में हम बेलाडोना मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं, जब हम देखेंगे कि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है। ब्राइनिया, बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, एकदम भी प्यास नहीं है, लिप्स बिल्कुल ड्राई पार्च्ड है, बट पानी की प्यास एकदम नहीं है, बहुत ज्यादा बॉडी में पेन, बॉडी एक बहुत ज्यादा है, बिल्कुल हिलने डुलने का मन नहीं है, एंड ऐसे बच्चे जो हैं ये बिल्कुल ही एकदम कोई उनको गोदी लेने की कोशिश करे या उनको कंसोल करने की कोशिश करे उससे भी चिढ़ जाएंगे, बहुत इरिटेबल, किसी को सामने नहीं आना, कोई पास नहीं आए, बस चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते जाना है, तो जब ऐसी स्टेट होती है, एकदम मुंह वगैरह सूख रहा है, ड्राई है, पर
पर पानी भी नहीं पीना, बॉडी एक बोल रहे हैं, तो ब्राइनिया के बारे में आप सोच सकते हैं। यूपेटोरियम परफोलिएटम, यूपेटोरियम परफोलिएटम बोन पेन्स के साथ अगर प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत अच्छी ये दवा होती है। मसल में पेन है, माइल्जिया है या बोन पेन्स है, इसको डेंगू में, चिकनगुनिया में भी यूज़ किया जाता है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन। स्क्रबटाइफस में भी इसके बारे में सोच सकते हैं अगर माइल्जिया या मसल पेन बहुत ज़्यादा सिवियर है। इनका एक पिकुलियरिटी होती है, सुबह 7 से 9 बजे के बीच में जो प्रॉब्लम है, जो तकलीफ है, वो सबसे ज़्यादा वर्स होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ इनको होती है। कमर में दर्द की शिकायत कर सकते हैं, पेन, बोन पेन या माइल्जिक पेन्स मेंशन कर सकते हैं, तो यूपेटोरियम एक अच्छी मेडिसिन है। फेरमफॉस, फेरमफॉस अगेन फर्स्ट स्टेज ऑफ फीवर में हम इसको दे सकते हैं, और जो फेरमफॉस है इसमें हम देखेंगे कि जैसे एकोनाइट और बेलाडोना में एक सडननेस है, एक तरह से हम उसको फास्ट मेडिसिन बोल सकते हैं, उस हिसाब से फेरमफॉस इतना ज़्यादा सिवियर या एक्यूट नहीं होता, उस हिसाब से ये थोड़ा सा इंटेंसिटी इसमें कम होती है। एंड जलसीमियम, जलसीमियम के बारे में सोच सकते हैं, जलसीमियम में ऐसा लगता है कि पूरे बॉडी में एक लेथार्जी है, एक वीकनेस है, एक कमज़ोरी है, बॉडी में स्ट्रेंथ की कमी है, ड्राउजी फीलिंग है, तो ऐसे में जलसीमियम मेडिसिन के बारे में सोचा जा सकता है। तो दोस्तों ये हमारी कुछ मेडिसिन जो कि आरएसवी इन्फेक्शन में बेहद उपयोगी है, और भी मेडिसिन है, सिम्टोमेटिक मेडिसिन, इन्फ्लुएंजा M200 भी दे सकते हैं कुछ डोजेज, राइट। तो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आप जरूर पूछ सकते हैं। ओके, तो आपके क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं। बर्निंग सेंसेशन है चेस्ट में एंड अपर बैक में। देखिए अगर छाती में जलन वगैरह हो रही है तो एक तो पानी ठीक से पीना है, इस बात का ध्यान देना है। लाइकोपोडियम मेडिसिन ले सकते हैं 30 potency में। देखिए बदहजमी के वजह से छाती में जलन वगैरह हो सकती है, तो हो सकता है अगर की थैली में पथरी है, बदहजमी हो रही है, गैस फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है या GERD हो रहा है, तो ऐसे तमाम कंडीशन में आपको सीने में जलन, छाती में जलन, ऐसे सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं। नॉन स्टॉप स्नीजिंग, नेजल रनिंग प्रॉब्लम इन कोल्ड वेदर एंड कोल्ड एयर, यू कैन टेक द मेडिसिन एलियम सेपा। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा छींके आ रही है, एलियम सेपा इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन। अगर आँखों से भी बहुत पानी आ रहा है, जलन हो रहा है, तो साथ में यूफ्रेशिया मेडिसिन, दोनों ही 30 potency में ले सकते हैं। थ्रोट एंड फीवर ड्यू टू एसिडिटी, देखिए एसिडिटी में गले में जलन के लिए हमारी आयरिस वर्सिकलर एक अच्छी मेडिसिन है, तो अगर गले में जलन है स्पेशली तो आयरिस वर्सिकलर का प्रयोग कर सकते हैं। एज 34, यूरिन जाने की प्रॉब्लम, होम्योपैथी मेडिसिन। देखिए अगर यूरिन बार बार आ रहा है, साथ में जलन के साथ यूरिन आ रहा है, ये UTI का एक रीज़न हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो ये हमें ज़रूर जांच करवानी चाहिए। अगर यूरिन में जलन है तो एक यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपिक करवाना है। इसके अलावा डायबिटीज़ है या नहीं है इसका भी हमें चेक कराना ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस में भी यूरिन का फ्रिक्वेंसी बार बार हो सकता है। अगर ये सब कोई रीज़न नहीं है, केवल बार 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 यूरिन की अर्जेंसी हो रही है या बार बार यूरिन आ रहा है, तो CPR-30 के कुछ डोज ले सकते हैं, 5-5 गोली दिन में 2 बार, इसको हफ्ते भर ले सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल केसेस में UTI इज़ द मेन रीज़न या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण ऐसे लक्षण या ऐसे सिम्टम हो सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारा RSV वायरस के बारे में हमने बात करी है, तो RSV वायरस या कोई भी हम वायरल इन्फेक्शन की जब हम बात करते हैं, तो वायरल इन्फेक्शन से बचाव ही हमारा या उससे रोकथाम ही सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है उससे बचने का। RSV के लिए कोई वैक्सीनेशन आज तक उपलब्ध नहीं है, और इसीलिए ज़रूरी है कि हम दो चीज़ों पे काम करें। एक तो प्रोटेक्शन, आप मास्क वगैरह का यूज़ करना या हाथों को अच्छे से धोना, सैनिटाइज करना, और हाइजीन का ध्यान रखना। एंड सेकंड है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना,
क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, तो किसी तरह का भी इन्फेक्शन आपको होता है उससे आप अपना बचाव कर सकते हैं और आप बीमारियों से निकल कर आ सकते हैं ओनली व्हेन यू आर हैविंग अ स्ट्रांग इम्यूनिटी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी वर्क टुवर्ड्स आवर इम्यूनिटी, वी वर्क टुवर्ड्स आवर इम्यून सिस्टम, बिकॉज व्हेन अ हेल्दी बॉडी एंड अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स टुगेदर डिजीजेस डिसअपीयर. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इम्यूनिटी, अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंशन इन एनी काइंड ऑफ डिजीज. सो टूडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस RSV, ऑल्सो नोन एज द रेस्पिरेटरी सिंथेटिकल वायरस. नाउ दिस वायरल इन्फेक्शन, इट इफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक इट इज नॉट समथिंग वेरी सिवियर, बट इन केस ऑफ लाइक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स और मे बी इन केस ऑफ इन्फेंट्स or the adults, elderly adults, they can get affected and it can lead to complications like maybe pneumonia or bronchiolitis, which means inflammation of the small air passages, and it will result in a kind of congestion of the chest, difficulty in breathing. It can also present itself in the form of high fever and there will be like lying will be a difficult thing, like lying will aggravate the conditions, and along with that, in case of small children or infants, there will be shallow breathing, there can be cyanosis, that is bluish discoloration of the lips or even the nail beds, there will be irritability in the child, the child will not take feed properly. So these are like they are the severe symptoms, or it shows that the RSV is affecting the lower respiratory tract and it is causing severe infections in the body. Otherwise, like generally it will give symptoms of normal flu or influenza in the form of cough, cold, stuffy nose or even runny nose. There can be cough, there can be low-grade fever, headache, irritability, and good rest and proper hydration, intake of enough fluids. They will help to manage with the symptoms of RSV. We have to give symptomatic treatment to the patient suffering from RSV. And we have some very good homeopathic medicines that we can consider. Homeopathic medicines, they are always like symptom-based, and we can give the medicines based on the symptoms of the patients. And so the medicines that we normally use for flu and influenza, they can be used for RSV or respiratory syncytial virus infection also. So the first medicine that we can think of is aconite. Now aconite, we know it's like medicine for acute stage, for the acute inflammation. You can consider the medicine aconite when you are giving it within the like first 24 hours of contacting the infection or having the symptoms. Aconite patient, they will always have some degree of fear or anxiety or restlessness. There will be high grade fever. So we can definitely think of the medicine aconite 30 potency repeated dosage will prevent the further progression of the disease. The next medicine we can think of arsenic album. Arsenic album, a very good medicine. When we see there is high grade fever, along with that, there can be some gastric symptoms as well, diarrhea, loose motions. There will be desire for drinking sips of water. So the patient will always like to have sips of water. Along with that, there will be restlessness. Although the body is in pain, but still there is restlessness, there is fear, maybe fear of death. So we can see symptoms like this in case of arsenic album, a very good medicine to be considered in case of influenza and flu. Again, 30 potency, this medicine can be given. We can also consider this medicine as a preventive dosage. The next medicine will be belladonna. Again, belladonna, it's an acute medicine, but in case of belladonna, we see the involvement of brain as well. So there will be symptoms of like hallucinations, delirium. A child can have some kind of scary dreams. So there will be involvement of the brain, involvement of your mind. So having a delirium or hallucinations, along with that, there will be headache. So a severe kind of headache, congestion, and there will be like irritability from light. There will be irritability from artificial light.
So the patient generally they will desire to lie down with all the lights and everything off. In case of a children, the child will be very irritable. So again, acute medicine, we can think of the medicine Belladonna, a very good medicine which we can think of infections or RSV or even flu or influenza. Then coming to the next medicine, it will be gelsenium. So in case of gelsenium, we see there is a degree of drowsiness, dullness. So gelsenium and dullness, they are synonymous. So gelsenium will never have that agitation, that anger, the acuteness of aconite or belladonna or arsenic, but it will have an overall drowsy feeling, dullness, low-grade fever, headache. There will be the it will be difficult for the patient to get up from a sitting position or maybe lying position. So they will prefer just lying and resting. It will be difficult for them